अर्शित जिस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी आखिरकार वो पल आ ही गया जहां पर अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो रही है। शादी के जोड़े में मंडप में बैठी हैं अर्शी और कई सारे ख्वाब सजाए हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बस एक तूफान के आने की देरी है जहां उनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार जाओ ऊपर जा, मैं आप लोगों को बोलूंगा पहले वॉक करना। भरत जी जब ये दोनों, तो मैं भरत बोलूंगा तब आना। बस क्या बोली काजल? हाँ काजल मैं बोलूंगा तब चलना। रोल पंडित जी, लगे रहो, कुछ करते रहो, चुप रहो। रोलिंग चालीसा एक्शन। आप दोनों स्लोली आइए। भरत जी सचिन सर वॉक। देखो वैसे ही था कि ये कलकत्ता जाना और आशीर्वाद देना अच्छा हुआ। ये और एक खास रिश्तेदार और तभी हम देख रहे हैं कि शादी के फंक्शन के बीच यहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं, वो भी झनक को लेकर, जहाँ पर अर्शी की मासी और अनिरुद्ध की मॉम झनक को लेकर बातें कर रही हैं। यही नहीं बल्कि वो ढेर सारी बुराई भी कर रही है झनक की। जहाँ इस शादी के मौके में हर किसी को खुश होना चाहिए, पर हर कोई झनक का ही टॉपिक लेकर बैठा है और ये बातें अर्शी को काफी अच्छी लग रही हैं, जिसका पता आप उसके चेहरे के मुस्कान से लगा सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही है। अब भाई लगे भी क्यों ना, आखिरकार झनक उसकी पहली पत्नी जो है। इन सब में अब देखना ये होगा कि आखिर कैसे ये शादी होती है, क्योंकि जैसा माहौल बना हुआ है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द ये शादी में कोई हंगामा होने वाला है। एंड फॉर मोर स्टडी टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।